तो गाइज आज की वीडियो में बताने वाले हैं पाई केवाईसी कैसे करें। अगर आपने भी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और आपका भी पाई केवाईसी का ऑप्शन आया है, पाई नेटवर्क का केवाईसी कैसे कर सकते हैं। गाइज वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पाई का केवाईसी इजीली से कैसे कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सिंपल ही पाई एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। तो गाइज़ आप इस तरह से देख सकते हैं पाई का इंटरफेस शो हो गया है। गाइज़ यहाँ देख सकते हैं मैंने 14 लोगों को जोड़ा है, 3 लोग माइनिंग कर रहा है, सिर्फ 3 लोग माइनिंग कर रहा है। उसके बाद गाइज़ देख सकते हैं यहाँ मेरा टोटल पाई माइनिंग हो रहा है, इतना मेरा पाई हो चुका है और ये माइनिंग हो रहा है। इसके बाद गाइज़ आपको 3 डॉट दिखाई देगा। सिंपल गाइज 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है, पाई का केवाईसी करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको यहाँ शो करेगा पाई ब्राउज़र। तो गाइज सिंपली पाई ब्राउज़र में आपको क्लिक कर देना है, आपको यहाँ शो करने लगेगा पाई ब्राउज़र। सिंपल गाइज पाई ब्राउज़र पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से एक इंटरफेस नया शो हो जाता है। तो गाइज यहाँ साइन इन टू पाई ब्राउज़र, सिंपली गाइज इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर में। तो गाइज मेरा पहले से ही पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन डाउनलोड है तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज अगर आपने पाई ब्राउज़र डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से पाई ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप केवाईसी कर सकते हैं। तो गाइज मैं पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ। तो सिंपली गाइज यहाँ देख सकते हैं पाई और यहाँ पाई ब्राउज़र। सिंपली गाइज मैं पाई ब्राउज़र को एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ, यहीं से हम केवाईसी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ केवाईसी पाई ऑप्शन आ रहा है, गाइज सिंपली इसको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद गाइज एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, नेट स्लो है गाइज, इस तरह से स्लो चल रहा है। उसके बाद गाइज इस तरह से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कंट्री, सिंपली अपना कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, आप जिस भी कंट्री से हैं उस कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद गाइज आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, आधार कार्ड, बहुत सारे यहाँ आता ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड। तो सिंपली गाइज मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ 3 ऑप्शन आएगा, तीनों बॉक्स में आपको टिक कर देना है और एग्री कर देना है। तो गाइज यहाँ देखिए आई कंसेंट टू अलाउ पाई नेटवर्क। उसके बाद गाइज यहाँ आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, इस पर ही क्लिक कर देते हैं। गाइज यहाँ भी क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद गाइज फिर से लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद गाइज एक नया इंटरफेस फिर से शो हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से इंटरफेस शो हो गया। तो गाइज आपको आईडी फोटो भी यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद टाइप इन योर इन्फॉर्मेशन आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद गाइज तीसरा नंबर पे आपको आइडेंटिफिकेशन कन्फर्मेशन करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा नंबर पे आपको 1 पाई पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइज यहाँ देख सकते हैं आपको आईडी देना है, तो गुड लैंडस्केप में देना है, गुड लाइटिंग में, और उसके बाद डाटा क्लियर होना चाहिए, फोटो फील्स ऑफ ऑल, कैमरा के सामने एकदम क्लियर सा होना चाहिए। तो गाइज यहाँ आई एम रेडी, सिंपली गाइज आई एम रेडी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइज एड फ्रंट फोटो, तो गाइज आधार कार्ड का फ्रंट साइड आपको यहाँ कैमरा में कैच कर लेना है। तो गाइज यहाँ में देख सकते हैं आधार कार्ड का फ्रंट साइड हम कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ मैं कैप्चर कर चुका हूँ। कैप्चर करने के गाइज यहाँ एड बैक फोटो, इसको रोटेशन कर लेता हूँ। रोटेशन करने के बाद जो रोटेशन सही होगा डायरेक्शन उस पर रोटेशन कर लेता हूँ। करने के बाद गाइज यहाँ एड बैक फोटो, आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो आपको यहाँ कैप्चर कर लेना है। चलिए मैं आधार कार्ड का बैक साइड फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ नेक्स्ट स्टेप का आएगा ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको यहाँ सब कुछ देख लेना है। तो गाइज इस तरह से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ इंटर योर फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद गाइज यहाँ मिडिल नेम डालना है। उसके बाद गाइज यहाँ लास्ट नेम डालना है। चलिए गाइज मैं यहाँ फर्स्ट नेम डाल देता हूँ MD। उसके बाद गाइज मिडिल नेम डाल देता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ लास्ट नेम इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद गाइज यहाँ आपको जेंडर चूज कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है जेंडर। चलिए मैं जेंडर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद गाइज यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज मैं यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल चुका हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ डॉक्यूमेंट आईडी नंबर, यहाँ अपना आधार नंबर आपको डाल लेना है। अगर आपने पैन कार्ड दिया है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ डाल सकते हैं। आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ एक्सपायर डेट ऑफ आईडी, गाइस आधार का कोई आईडी एक्सपायर नहीं होता है। तो गाइस आधार कार्ड एक्सपायर नहीं होता है तो यहाँ
माई आई डी कार्ड डज नॉट हैव एक्सपायर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कंट्री ऑफ रेसिडेंट इंडिया, आपको फिर यहाँ इंडिया इंटर कर देना है। आप जिस भी कंट्री से हैं यहाँ इंटर कर देते हैं, आप जिस भी कंट्री से हैं यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद गाइज यहाँ एड्रेस लिंक, यहाँ अपना गांव का नाम दीजिएगा गाइज, उसके बाद एड्रेस लिंक टू में अपना पोस्ट का नाम दीजिएगा, जो भी आपका पोस्ट है। उसके बाद चलिए मैं यहाँ अपना गांव का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ गांव का नाम देने के बाद यहाँ पोस्ट का नाम इंटर कर देता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ सिटी यानी अपना ज़िला का नाम इंटर कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ स्टेट, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं गाइज यहाँ स्टेट का स्टेट आपको इंटर कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ अपना पिन कोड इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। तो गाइज यहाँ एक नया इंटरफेस शो हो गया है यहाँ गुड एग्जाम्पल गुड लाइटिंग होल फेस विजिबल गाइज। तो गाइज यहाँ आपको यहाँ सेल्फी लेना पड़ेगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, सिंपल गाइज स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ सेल्फी रिकॉर्ड देना है। तो गाइज यहाँ थोड़ा आपको स्माइल कर लेना है, यहाँ स्माइल का भी ऑप्शन आएगा, टेक ए फोटो। उसके बाद गाइज स्माइल, थोड़ा स्माइल कर लेना है आपको। स्माइल करने के बाद अब ये रिकॉर्ड हो जाएगा, देखिए गाइज यहाँ रिकॉर्ड हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है, नया इंटरफेस शो होने लगेगा। तो गाइज इस तरह से आप देख सकते हैं जितना भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ शो करने लगता है। तो गाइज इस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाता है। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं गाइज, यहाँ से एडिट का ऑप्शन आता है, अगर आपका कुछ रॉन्ग इंटर हो गया है तो आप यहाँ एडिट भी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ सेव का ऑप्शन है, तो सिंपली आप सेव कर दीजिए। सिंपली गाइज आपको नेक्स्ट कर देना है। डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है गाइज, आप यहां देख सकते हैं। तो इस तरह से गाइज यहां डॉक्यूमेंट, फोटो डॉक्यूमेंट, सेल्फी, सब कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है। गाइज प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। तो गाइज यहाँ सबमिट एंड पे पे क्लिक कर देना है, और यहाँ एस डाटा इज एक्यूरेट इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सी स्टेटस। तो गाइज देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, आप यहाँ देख सकते हैं। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर KYC एप्लीकेशन। तो गाइज इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सी स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो गाइज कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, वेलकम बैक। तो गाइज इस तरह से अगर आप KYC करते हैं, KYC करने के बाद इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, और कुछ देर के बाद कुछ घंटे के बाद आपका KYC सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से आप KYC अपना पाई का कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और फिर भी KYC करने में आपको दिक्कत होती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।